नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिल्डिंग के छत पे जो इलेक्ट्रिकल पाइप लेआउट करते हैं किस तरह से करते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है तो कुछ बातें कि पहले बिल्डिंग में कैसे बिल्डिंग बनता है। हम लोग को पहले कलम खड़ा करके छत ढलाई किया जाता है, और छोटा छोटा मकान में क्या होता है, दीवार पहले खड़ा हो जाता है उसके बाद छत ढलाई होता है। तो इसमें क्या होता है, बिल्डिंग में दिक्कत आता है पाइप लेआउट करने में, और छोटा मकान में पाइप देने में आसान रहता है क्योंकि हम लोग को दीवार पहले से मिल जाता है, उसके बाद पाइप ड्रॉप करने कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होता कि किस तरफ दीवार पड़ेगा, किधर फेस होगा, किधर कपला होगा। लेकिन बिल्डिंग में हम लोग समझना होगा कि किधर कपला पड़ेगा और किधर फेस होगा, क्यों ना फेस में क्या होता है हम लोग को बीम काटना नहीं पड़ता और कपला में हम लोग को बीम काटना पड़ता है। तो इसको जानने से ये जानकारी आपको रहेगा तो आपको खटारी कम होगा, लेबर खर्चा कम होगा और प्रॉफिट होगा। तो आज इसी सिखाने वाले हैं, तो पहले जान लेते हैं किस तरह से। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का नक्शा नहीं आया है और जोड़ाई का नक्शा भी नहीं आया, तो आप कैसे आप छत में पाइप दे सकते हैं। तो चलिए मेरे साइड में आपको सिखाते हैं किस तरह से पाइप को लेआउट करते हैं। दोस्तों देखिए, आपका पास पहले जो मेरे पास नक्शा है उसका पूरा नॉलेज थोड़ा आपको दे देते हैं। देखिए मेरे पास बहुत तरह का मेरे पास नक्शा है, आर्किटेक का भी नक्शा है। देखिए ये वाला मेरा आर्किटेक का नक्शा है, इधर किस टाइप से लेआउट किया है। देखिए ये मेरा फैन है, वो देखिए मेरा इधर से यहाँ लाइट रहेगा, यहाँ टीवी पॉइंट रहेगा, इस तरह का भी नक्शा है। लेकिन ये मेरा पाइप का लेआउट नहीं है, कैसे पाइप कहता है, तो सिर्फ हम वायर का ही नक्शा है किस तरह से वायर गिराना है। ठीक है, तो ये मेरा वायर गिराने का नक्शा है, इस जगह स्विच बोर्ड रहेगा, इस तरह से सब दिया हो। इसको इसके बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं, दूसरा दिन बात करने वाले, तो ये भी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी रखते हैं। ये देखें, ये भी मेरे ये जो मेरा ये पांच तला का बिल्डिंग का था नक्शा, ये बेसमेंट का है, ये नीचे में मेरा जो ऑफिस बनेगा उसका है ये नक्शा, तो ये भी हम रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपार्टमेंट का, जो बिल्डिंग लाइन में जो काम होता है, जो अपार्टमेंट फ्लैट बनाया जाता है उसका नक्शा है। देखिए इसमें आपको हम जिस अभी का जो वीडियो हम बना रहे हैं इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो किस तरह से 5 इंची दीवार रहेगा उसमें आप पाइप लेआउट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज पूरा नॉलेज देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा देखिए पूरा, ये है मेरा जो वॉल का है उसका नक्शा है, और जो इस तरह से दीवार मेरा उठाया जाएगा, ये मेरा जोड़ाई का नक्शा है किस तरह से 10 इंची दीवार किधर पड़ेगा और 5 इंच का इसमें मालूम चल जाता। तो ये नक्शा आपका पहले आ जाता है तो आपको पाइप गिराने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन नक्शा ये वाले नहीं आता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, किधर बीम पड़ेगा, किधर बीम का जो कोपला पड़ेगा ये समझ में नहीं आता, और दीवार का फेस किधर पड़ेगा ये समझ में आ जाता तो आपको खटाली कम हो जाता, बीम काटना कम पड़ता और लेबर खर्चा भी कम पड़ता। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए ये मेरा पाइप लेआउट इलेक्ट्रिकल पाइप लेआउट का है, इलेक्ट्रिकल लेआउट है। तो देखिए देखिए दोस्तों, ये एक खिड़की है जो बाहर साइड खिड़की बनाया था, तो इसमें पूरा देखिए बाहर बाहर बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्डिंग लाइन में क्या बाहर में 10 इंची दीवार होता है, तो ये देखिए इस कलम पूरा फेस है, इसका समझ में आ जाता है ये 10 इंची दीवार है। और देखिए आपको दिखा रहे हैं लेआउट कैसे किया जाता है, तो देखिए मेरे जोड़ाई वाले नक्शे हैं और इसमें देखिए किधर 10 इंची दीवार हो रहा है और किधर 5 इंच दीवार, इसमें हमको नक्शा देख के हम पाइप गिराते हैं और डालते हैं पाइप छत में। तो देखिए ये मेरा 10 इंची दीवार है और ये देखिए 5 इंची दीवार है, और ये देखिए मेरा इसमें जो डॉट डॉट करके रखा है वॉल, इसमें कोई वॉल नहीं रहेगा, ये पूरा खोला हुआ है स्पेस, ये जो हॉल का सामने है ये लंबा सा हॉल है इसमें, और ये देखिए लिफ्ट है, ये सीढ़ी है। तो इसमें समझ में आ जा रहा है ये 18 इंची का कलम है और 10 इंची चौड़ाई है। तो देखिए मेरा ये 10 इंची जो पुल होता है 10 इंची दीवार, तो मेरा कलम जो 10 इंच का साइज है ये सब पूरा फेस चलता, लेकिन इसमें देखिए कोपला बन गया कलम के सामने। तो ये समझ लीजिए इस 5 इंच का दीवार है और कोपला है, ये मतलब 10 इंच का दीवार नहीं है, जिसमें देखिए फुल कलम के साथ वॉल हो रहा, देखिए पूरा कोई यहाँ पर कोपला नहीं बन रहा, ये हो गया मेरा 10 इंच का दीवार। तो इसी तरह से हम लोग समझ लेते हैं इधर 10 इंच दीवार है, ये 5 इंच दीवार है, इधर कोई दीवार नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये जो पाइप है खोला हुआ है, इसमें हम पाइप मान लीजिए ड्रॉप कर देते हैं बीम पर, तो मेरा इसको मिलाने के लिए बीम काटना पड़ेगा उसके बाद, नहीं तो हम डायरेक्ट पूरा यहाँ ड्रॉप करते हैं तो मेरा कोई काटना नहीं पड़ेगा, ये समझ में आता है। तो यही है, लेकिन नक्शा नहीं आता तो कैसे ले, लेकिन ये वाला तो आपको समझ में नहीं आएगा नक्शा नहीं आएगा तो, लेकिन मेरा जो पाइप ड्रॉप करते हैं वो तो आप कर सकते हैं, आपका नॉलेज में रहेगा। तो देखिए ये जो कलम है,
आपका ये कलम है, देखिए यहाँ कलम खत्म हो रहा, ये तो समझ रहे थे 5 इंची दीवार होगा, वो देखिए ये कलम है, ये देखिए ये कलम है, ये कलम इसमें देखिए तीन तरफ से आया है कलम और दीवार आ रहा तीन तरफ से, ये मोड़ बन गया। तो ये देखिए ये कलम हो रहा है, इसमें विश्राम हो रहा, पूरा कलम देखिए लंबा से है और ये पीछे साइड से विश्राम हो रहा। तो इसका मतलब है पीछे आपको वॉल पड़ेगा और पीछे साइड और आगे साइड कोई वॉल नहीं पड़े। इसमें समझ लीजिए ये 5 इंच वाला आप इधर बाहर साइड आप देते हैं तो आगे साइड कोपला बनेगा और पीछे साइड फेस बनेगा। तो आप फेस आप सर्कुलर लगा के फेस में दे सकते हैं और नहीं तो पूरा डायरेक्ट बीच में आपको जो हम प्रैक्टिकल आपको साइड में छाद में ले जाके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए बीम इधर आप बीच में आप पाइप ड्रॉप करते हैं तो आपको 5 इंच दीवार में पाइप मिल जाएगा और इसमें बीच में आप नहीं देते हैं और देखिए 5 इंच दीवार, ये देखिए 5 इंच दीवार इसमें भी आप बीच में दे देते हैं तो आपको वॉल में ही पड़ेगा पाइप, आपको कोई बीम नहीं काटना पड़ेगा, इस तरह से पाइप दिया जाता है। तो दोस्तों मेरा पास बहुत तरह का नक्शा है, देखिए ये भी देखिए ये बेसमेंट का नक्शा है बिल्डिंग का, ये देखिए पूरा कहीं यहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा, इसमें सर्कुल लगा हुआ बीच बीच में और इसमें देखा हुआ। तो इस तरह साइट ले जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें राजीव क्रिटिकल यूट्यूब चैनल को, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। और देखिए मेरे साइड में हम ले चला है, देखिए ये 4000 स्क्वायर फीट है, इसमें मेरा लिफ्ट सब लगा, लिफ्ट से ढलाई हो रहा, तो देखिए रूम बाय रूम कैसे हम ड्रॉप किए हैं, जिधर 5 इंची दवाल पड़ रहा वो कैसे 10 इंच, ये देखिए मेरा फैन बॉक्स है, इसको फैन बॉक्स भी कह सकते हैं, जॉइंट बॉक्स भी कह सकते हैं, और ये मेरा बीम है, ये देखिए मेरा बीम इसमें 5 इंची दवाल पड़ रहा, तो इधर कोपला पड़ रहा आगे साइड और पीछे साइड देखिए मेरा फेस पड़ रहा, तो देखिए मेरा बीचों बीच दे दिए, इसमें क्या होगा हमको बीम नहीं करना पड़ेगा, मेरा दीवार दोनों पाइप ही मिल जाएगा। तो ये देखिए ये भी बीच में 5 इंची दवाल पड़ रहा, ये भी देखिए मेरा बीचों बीच दिए हैं, इस तरह से आप पाइप दे सकते हैं, नहीं तो फेस में क्या होता है दोनों साइड जैसे दिए हैं इसको सर्कुलर लगा सकते हैं सर, उसके बाद आपको बीम थोड़ा सा काटना पड़ेगा, नाली बनाना पड़ेगा, ये देखिए उसके बाद पाइप जब हो जाता है उसके बाद नीचे में सर्कुलर का नीचे दीजिए कार्टून दे दीजिए, कागज़ का कार्टून, देखिए मेरा सीढ़ी का जो लाइन आता है मेन सर्विस वाला ये भी हम दे दिए, के तल्ला हो रहा के टू फ्लैट हो रहा ऐसे गिनती करके, इसमें मेरा सर्विस वायर के लिए भी फ्लैट बाय फ्लैट हम ड्रॉप कर दिए हैं, और इसके बाद देखिए सर्कुलर में हम कागज़ दे दिए नीचे में, उसके बाद हम बालू दे देंगे तो उसमें क्या होगा आपको सर्कुलर को भी ढकने जगह पर पलस्तरा में ढलाई के अंदर नहीं चला जाएगा, खोजने से आसान होता है और वहाँ मिल जाता है जी, मेरे यहाँ मेरा सर्कुलर लगा हुआ है वो फैन बॉक्स में भी बालू घुसा दीजिए और जितना आपका छेदा है छेदा खाली रहता है उसमें आप कागज़ का पान का जैसा मोड़ के कागज़ ठोस दीजिए उस मुँह में, उसके बाद देखिए हम बना दिए भी देखिए कागज़ ठोसा हुआ है, ये दे सब में हम कागज़ ठोस दें, उसके बाद बालू हम दे देंगे, लेकिन बालू का हो आपको जो बालू कब देना है आपको पहले ढलाई जितना होने से पहले पानी मारते हैं पानी पहले मार लीजिए उसके बाद का बालू देना होगा, नहीं तो बालू क्या होगा छितरा जगह बहुत जगह लेगा, लेकिन क्या होगा फैन बॉक्स आपको ऊंचा थोड़ा सा हो जाता है जब आपको रड को ऊपर उठाया जाता है गिटी से जैसे ही देखिए, नहीं तो उसमें क्या होगा आपका फैन बॉक्स ऊपर चल जाएगा तो उसमें क्या होगा आपको ज़्यादा खोदना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा बालू आप ज़्यादा दे देते हैं पानी मारने के बाद तो बालू कहीं छिदराएगा नहीं आपको आसान तरीके से फैन बॉक्स निकल जाएगा, तो इसमें दिक्कत आपको मेहनत कम लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते, देखिए मेरा कार्टून दिया हुआ है कागज़ दिया है और देखिए सर्कुलर में समय बालू दे दिए हम पानी मार दिए उसके बाद बालू मारे हैं ढाला के साथ साथ बालू मारिए और देखिए इसमें भी आप अच्छे से आपको ले आए हैं देखिए छत के ऊपर कहाँ आपको बिना नक्शा देख के आप पाइप ड्रॉप कर सकते हैं किधर आपका वॉल पड़ेगा फेस का मुँह वॉल का फेस किधर पड़ेगा पीछे साइड पड़ेगा कि आगे पड़ेगा। तो चलिए मैं कलम और बीम का सामने चलते हैं उसके बाद समझा देते हैं, देखिए बीम और कलम किधर विश्राम हो रहा मतलब ख़त्म हो रहा, बीम कलम का ऊपर बीम किधर ख़त्म हो रहा, देखिए बीम मेरा हम मेरा डायना साइड देखिए डायना साइड मेरा बीम बड़ा एक कलम बड़ा हुआ है, देखिए 18 इंची का कलम है लेकिन 10 इंची बड़ा मतलब 8 इंची बड़ा हुआ है डायना साइड और पीछे साइड देखिए 10 इंची बीम है, तो देखिए बीम और कलम जहाँ फेस मिल रहा बीम और कलम ख़त्म हो रहा देखिए इस साइड, तो बायाँ साइड आपको फेस मिल रहा बायाँ साइड इधर बड़ा इधर इधर आपका कलम होगा डायन साइड कपला होगा और इधर होगा फेस बायाँ साइड होगा फेस, तो इसी में समझ जाना होगा आपको बायां साइड फेस हो रहा और आगे साइड कोपला होगा, ऐसे सीधा बीम को ले चलिए कहीं बीम टढ़ा कहीं ज्वाइन नहीं होगा तो आपको सीधा जितना आपको फेस मिल रहा आपको सीधा आपको दीवार में लगा, उसके बाद आपको पूरा देखिए मेरा ये आई डिजाइन का बिल्डिंग है इसका कोई नहीं सीधा पूरा लास्ट पोर्शन में जा रहा है देखिए लास्ट में वहाँ भी उस तरह से कलम बना हुआ देखिए बायां कलम होगी आपको बायां साइड में 8 इंची बच रहा है और डायना साइड है तो ये डायना
देखना है, जिसमें 8 इंची कलम में बचा, कलम को देखना होगा कितना कलम बढ़ रहा, जिधर बढ़ रहा उधर कोपला होगा। ये देखिए इसमें बीच में देखिए 2 टी हुआ है, 2 बीम आया है और बीच में कलम पड़ा। ये भी फेस होगा किधर, देखिए कलम का फेस किधर मेरा, देखिए बीच में, देखिए बीचों का कलम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बीच को विश्राम कहाँ हो रहा, देखिए इस साइड कलम बढ़ रहा और पीछे साइड फेस हो रहा। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, धन्यवाद।